बच्चे का शव कुएं में मिला है। परिजनों ने सौतेली मां पर हत्या का आरोप लगाया है। ललितपुर जनपद के थाना जखोला के विनय का तोरण गांव में 1-7 साल के मासूम बच्चे का शव कुएं में मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कुएं को खाली कराया। इसके बाद बच्चे को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं इस मामले में मृतक बच्चे के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी पर बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में महिला पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ललितपुर समाचार 24। क्या नाम है? उसके भाई मुझे छोड़त भी नहीं हती, और चाहे जो पानी वाला भी चलेगा, हमें ये बात को पता नहीं है। तो मकान तनक दूर बने, तो हमें पता नहीं है, तो छोड़ के गए घर पे। नहीं, 1-2 साल हो गए इसके लाने, हमने कभी भी इसके भविष्य नहीं छोड़ी। हम रात के भी पाल लेते पानी लगा, तो बाप ले जा तो उठा के पानी लगा के हमारे लगा से जी के ना उन्होंने उठा नहीं आज कल नहीं सोच रहा। तो इन्हें 1 घंटा को मोहलत पा के 4 बजे जी पानी भरा भी मोड़ा को उठा नहीं आके ठंड के वजह से मोड़ा के कप जो ले जाए गाड़ी से उठ के फिर नहीं पता दिखे रही ना मारा रे। आप बच्चे की कौन है? बड़ी मम्मी है।